मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के जख्म पर जश्न का नमक, सफाई महोत्सव के आखिरी दिन सितारों का जमघट। मुलायम के गांव सफाई में उमड़ा बॉलीवुड, सलमान खान ने भी हिट फिल्मी गीतों पर लगाए ठुमके। मुलायम के गांव में देर रात तक थिरकते रहे सलमान, दबंग से लेकर बॉडीगार्ड तक के गानों पर किया डांस। दंगा पीड़ितों पर पूछे गए सवाल पर सलमान ने दिया था मदद का भरोसा, कुछ दिन पहले कहा था 100 पीड़ित बच्चों का कराऊंगा इलाज। महोत्सव की आखिरी रात सफाई में मौजूद थे अखिलेश सरकार के ज्यादातर मंत्री, मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ जश्न में शरीक हुआ मुलायम का पूरा कुनबा। अखिलेश यादव ने सफाई महोत्सव में माधुरी दीक्षित के सामने किया ऐलान, फिल्म में माधुरी का है लीड रोल। मुंबई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए सफाई आए थे फिल्मी सितारे, करीब 1.5 लाख लोगों के सामने किया परफॉर्म। सफाई महोत्सव के अंदर टीवी कैमरों पर लगाई गई थी रोक, इटावा के डीएम के आदेश को सीएम ने बदला। मुजफ्फरनगर के दंगा राहत शिविरों में बदहाली के बीच हुआ सफाई महोत्सव, विपक्ष ने लगाया सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़कर सैर सपाटे के लिए विदेश रवाना हुए 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक, विधायकों के स्टडी टूर की अगुवाई कर रहे हैं आजम खान। स्टडी टूर पर जाने वालों में राजा भैया समेत 9 मंत्री, बीजेपी और आरएलडी के विधायकों के नाम भी टूर में शामिल। इंग्लैंड, हॉलैंड और तुर्की समेत 5 देशों का दौरा करेगी विधायकों की टीम, करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी यूपी सरकार। बीएसपी ने किया टूर का बायकॉट, कहा सरकार का जनता से कोई सरोकार नहीं। यूपी के मंत्रियों के विदेशी दौरे पर सियासी बवाल, बीएसपी के साथ बीजेपी ने भी अखिलेश सरकार के फैसले पर जताई हैरानी। मुजफ्फरनगर के राहत कैंपों में दंगा पीड़ितों का बुरा है हाल, ठंड से हो चुकी है 30 से ज्यादा मौतें, सुप्रीम कोर्ट तक कर चुकी है यूपी सरकार को तलब। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, सीएम बोले अब घूसखोर अफसरों की खैर नहीं। 0112735716169 होगा एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, फोन करने पर बताया जाएगा स्टिंग ऑपरेशन करने का तरीका। हेल्पलाइन जारी करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कोई मांगे रिश्वत तो कर लो उसका स्टिंग। दिल्ली के अंदर अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो अब आप उतने बेबस नहीं हो, अपना फोन निकालो, रिकॉर्डिंग कर लो। और उस ऑफिसर की तो शामत आ गई, उस कर्मचारी की तो फिर शामत आ गई, अब पावर जो है जनता के। सुबह 8 से रात 10 बजे तक काम करेगा हेल्पलाइन नंबर, फिलहाल दर्ज नहीं होगी शिकायत, 1 हफ्ते के अंदर जारी होगा 4 अंकों वाला हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को मिल गया सरकारी निवास, मयूर विहार फेज 1 में 2 BHK फ्लैट हुआ अलॉट। दीक्षित को मिला नोटिस, 15 दिन में सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। शीला दीक्षित के पूर्व मंत्रियों को भी मिला है नोटिस, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ और किरण वालिया को सरकारी आवास खाली करने को कहा गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, दिल्ली की बिजली व्यवस्था ठीक कराने की मांग। दिल्ली के नए मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव आज संभालेंगे चार्ज, डीएम सपोलिया से लेंगे जिम्मेदारी, स्वास्थ्य मंत्रालय में सहायक सचिव के पद पर थी तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा केजरीवाल की सिक्योरिटी का मामला, याचिका में कहा गया अगर हुआ हमला तो दिल्ली में हो सकता है दंगा। याचिका में अधिकारियों की जान को खतरा भी बताया गया, अगले बुधवार को मामले की होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमले से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आहत, कहा हमले से निकले हल तो मैं पत्थर खाने को भी तैयार। शांत भूषण ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों ने गुंडों का संगठन तैयार किया है।
कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान को लेकर कौशाम्बी में हुआ था हमला, पिंकी चौधरी नाम का शख्स गिरफ्तार। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से आम आदमी पार्टी को मिला 5 करोड़ का चंदा, इसमें से 1 करोड़ 10 लाख रुपए विदेशों से मिले। 4 लाख लोग ऑनलाइन पार्टी से जुड़े, 10 लाख लोग पार्टी कार्यालय आकर ज्वाइन कर चुके हैं पार्टी। मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ लड़ चुकी हैं चुनाव। दिल्ली के श्रम मंत्री गिरीश सोनी को नहीं है कांग्रेस के समर्थन पर भरोसा, ऑटो वालों से बोले सरकार कब गिर जाए पता नहीं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर डीडीए कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुलिस पर पैसा लेकर अवैध कब्जा कराने का लगाया आरोप। जयराम रमेश के ऊपर से उतर नहीं रहा आम आदमी पार्टी का नशा, कहा 2 साल पहले जनलोकपाल कानून बिल बन जाता तो आज नहीं होता आपका अस्तित्व। शकील अहमद ने जयराम के बयान को किया खारिज, बोले ये उनका निजी विचार होगा। महाराष्ट्र में बिजली सस्ती करने की तैयारी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा अगले हफ्ते तक हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने बिजली और वित्त विभाग के बड़े अफसरों से की बात, लेकिन कुछ अफसरों की गैर मौजूदगी से टला फैसला। संजय निरुपम और प्रिया दत्त ने बिजली की कीमत घटाने की उठाई थी मांग, दिल्ली में बिजली सस्ती होने की दी थी दलील। प्रवासी भारतीय दिवस में आज बोलेंगे नरेंद्र मोदी, सरकार पर साध सकते हैं निशाना। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस का समापन, केजरीवाल भी कर सकते हैं संबोधन। जनरल वीके सिंह आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में होंगे पेश, बयान पर देनी है सफाई, कहा था जम्मू कश्मीर के विधायकों को पैसा देती है सेना। 2 दिन के अंदर 3 बार होगी महाराष्ट्र के कैबिनेट की बैठक, चुनाव की तारीखों से पहले निपटाना चाहती है रुके काम। 1 दिन पहले ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूर किया है 662 करोड़ का प्रोजेक्ट, 148 प्रोजेक्टों को दी गई है मंजूरी। भोपाल में विधानसभा का घेराव कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे कार्यकर्ता, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हाथापाई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का आरोप, घोटाले में मुख्यमंत्री के करीबी लोग फंस रहे हैं इसलिए नहीं की जा रही है जांच। केरल में विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर हंगामा, एसएफआई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे कार्यकर्ता, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बिहार के डीजीपी ने पीएमओ और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल को लिखी चिट्ठी, बिहार के अफसरों को राज्य में तैनात न करने की गुजारिश। डीजीपी ने गया में तैनात सीआरपीएफ की एक बटालियन को हटाने का भी अनुरोध किया, बटालियन के डिप्टी कमांडेंट पर नक्सलियों को इन्फॉर्मेशन लीक करने का आरोप। डीजीपी की चिट्ठी पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया, पार्टी ने कहा ये बिहार के अफसरों का अपमान। बिहार के खगड़िया में जेडीयू विधायक रामचंद्र सदा ने सामुदायिक भवन पर किया कब्जा, सांसद निधि से बनाए गए भवन में बसाया आशियाना। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए एफबीआई के संपर्क में है सरकार, गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। कांग्रेस इस महीने के अंत तक कर सकती है लोकसभा के 200 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 17 जनवरी को चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश में देसी शराब की दुकानों पर नहीं बिकेगी अंग्रेजी शराब, शिवराज चौहान ने फैसला वापस लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा दिल ने फैसला वापस लेने को मजबूर किया, अंग्रेजी शराब बेचने के आदेश से हो रही थी किरकिरी। राजस्थान के धौलपुर से बीएसपी विधायक बनवारी लाल कुशवाहा फरार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है तलाश। विधायक कुशवाहा पर चिटफंड कंपनी के नाम पर जालसाजी करने का दर्ज है मामला, भाई ने किया आत्मसमर्पण लेकिन विधायक का पता नहीं।
आर्मी गैंगरेप पर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री प्रत्या बसु का बेतुका बयान, कहा भाड़े पर लाए गए थे रोने वाले। मध्यग्राम में नाबालिग से गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या से पश्चिम बंगाल में है आक्रोश, घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। सरहद पर शहीद हुए लांस नायक हेमराज की गृह नगर मथुरा में बनाई गई पुण्यतिथि, साल भर पहले देश की रक्षा करते हुए हेमराज ने कटाया था सर। बुलंदशहर में कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े कैदी की गोली मारकर हत्या, दो कैदी गंभीर रूप से घायल। जेल से पेशी पर आए थे कैदी, पुलिस को आपसी रंजिश का शक, हत्यारों की संख्या थी तीन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ में एक वकील की मौत की जांच एडीजी अरुण कुमार को सौंपी, 11 दिसंबर को कोर्ट में हुई थी वकील की हत्या। एडीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर एक दिन पहले ही की गई है अरुण कुमार की पोस्टिंग, मुजफ्फरनगर दंगे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी संभाल रहे थे कमान। मुरादाबाद में एक तेंदुए ने मचा रखा है आतंक, 10 दिन में 4 लोगों की ले चुका है जान, आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटा प्रशासन। आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटा प्रशासन, हाथियों पर सवार होकर की जा रही है तलाश। नोएडा में बदमाशों ने 8 लाख रुपए लूटे, सेक्टर 6 में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर की लूट। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए बैंक से कैश निकाल कर ले जा रहे थे दोनों युवक, गोली लगने से दोनों की हालत नाजुक। देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाने में महिला वकील की मौत पर हंगामा, गुस्साए परिजनों ने थाने में की तोड़फोड़। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को थाने से बाहर खदेड़ा, गढ़ा धन दिलाने का लालच देकर तांत्रिक पर हत्या करने का लगा है आरोप। दिल्ली में मालवीय नगर में घर में चोरी के 10 दिन बाद भी चोरों का सुराग नहीं, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी चोरी। 25 दिसंबर की रात को हुई थी चोरी, लाखों का माल साफ कर गए चोर। दिल्ली में एक महिला 9 महीने से कर रही है पति के शव का इंतजार, सऊदी अरब में कर दी गई थी हत्या। खराब मौसम के चलते जम्मू कश्मीर हाईवे पर हादसा, एक की मौत, 16 मुसाफिर घायल। जम्मू से नगरोटा जा रही थी मिनी बस फिसलकर नाले में गिरी, घायलों का जम्मू मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। अमेरिका में भारी बर्फबारी के बाद सुधरने लगे हैं हालात, शिकागो में -37 डिग्री गिरने के बाद शून्य तक पहुंचा तापमान। शिकागो, न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर, सड़क साफ करने का मिशन जारी। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में फंसा जहाज, बर्फ तोड़कर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जहाज को निकाला। पेरू के एल क्विटोज शहर में मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प, अपने 75 साथियों को नौकरी से हटाए जाने से खौफाते मजदूर। पुलिस ने प्रदर्शनकारी मजदूरों पर रबर बुलेट और आंसू गैस छोड़े, मजदूरों ने पुलिस पर पत्थर और लाठियों से बोला हमला।